गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश का जो लेसन शुरू किया हुआ है, पोइम है वो एक, जिसका नाम है माय शैडो, मतलब मेरी परछाई। और जो इसके राइटर हैं उनका नाम है आर एल स्टीवेंसन, ठीक है। उनके द्वारा ये पोइम लिखी गई है। इसके दो स्टैंजा हम कर चुके हैं, उसका जो आज हम वीडियो का पार्ट टू में लेके आए हैं, स्टैंजा नंबर 3, और इसके बाद हम करेंगे स्टैंजा नंबर 4। उसके बाद हमारी ये पोइम जो है खत्म हो जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि उसके अंदर एक बच्चा है, वो अपनी शैडो के बारे में देख रहा है कि वो कैसे कैसे उसके जय आगे आगे चलती है। वो कूदने की कोशिश करता है बेड के ऊपर, तो उससे पहले कूदने की कोशिश करती है, उस प्रकार उसकी परछाई के बारे में वह जिक्र करता है। आगे देखते हैं वह उसके बारे में क्या बताता है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम, हिम क्या है यहाँ पर, हिम यहाँ पर मतलब है उसकी शैडो, ठीक है। द फनीएस्ट, फनीएस्ट मतलब सबसे मजाक की बात या सबसे हंसी की बात क्या है, अबाउट हिम उसके बारे में, यानी कि शैडो के बारे में जो सबसे मजाक की चीज है वो क्या है, इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, उसके बढ़ने का तरीका, वे, वे मतलब तरीका, कि जो शैडो के बढ़ने का तरीका है वह सबसे मजाक की बात है, यानी कि सबसे हंसी की बात है, वो क्या है, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, यानी कि उन जो साधारण बच्चों की तरह नहीं है, कैसे, विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, जो कि हमेशा बहुत धीरे धीरे होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनके ग्रो होने का जो तरीका है वे है दैट इज वेरी स्लो, वो जो बहुत ही धीमा होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, यानी कि बच्चे जो है वो धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक वे से बढ़ते हैं। लेकिन जो उसकी शैडो है उसके बारे में सबसे जो मजाक की चीज है, हंसी की बात है, कि वह कभी तो इतनी लंबी हो जाती है और कभी बिल्कुल छोटी हो जाती है। उसके जो बढ़ने का तरीका है, बढ़ने और घटने का तरीका है, इंक्रीज और डिक्रीज होने का जो वे है वो बहुत ही फनीएस्ट है। क्यों है, क्योंकि उसकी जो परछाई है वह कभी तो लंबी हो जाती है और कभी छोटी हो जाती है, वो बहुत फास्ट है, लेकिन एक बच्चे के, चिल्ड्रन के, जो बच्चों के बढ़ने का तरीका है वो क्या है, बिल्कुल स्लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके वर्ड मीनिंग को जान लेते हैं। तो जो सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट शैडो, शैडो के बारे में सबसे फनीएस्ट थिंग क्या है, द वे दैट लाइक्स टू ग्रो, उसके बढ़ने का तरीका। दूसरा कि जो बच्चे के जो बढ़ने की बढ़ने का जो तरीका है वो कैसा है, कैसा है, वो स्लो है, ठीक है। और शैडो के बढ़ने का तरीका क्या है, वो वेरी फास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड मीनिंग क्लियर आएंगे हमारे, स्लो मतलब धीरे और स्लो का जो अपोजिट वर्ड होता है वो क्या होता है, फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपोजिट वर्ड्स भी साथ के साथ सीख रहे हैं। दूसरा ग्रो, ग्रो मतलब, ग्रो का मतलब क्या होता है, किसी चीज का इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना। तो ग्रो का मीनिंग क्या है यहाँ पर, बढ़ना। ग्रो का मतलब क्या है यहाँ पर, बढ़ना, किसी भी चीज का इंक्रीज होना, उसके अंदर वृद्धि होना, ठीक है। उसके अंदर जो और वर्ड मीनिंग है, वे, वे का मतलब होता है तरीका, वे का मतलब क्या होता है, तरीका, कोई रास्ता, ठीक है। इसके बाद वर्ड मीनिंग कर सकते हैं फनीएस्ट, फनी, फनियर, फनीएस्ट, फनी मतलब मजाक वाली बात, और फनियर उससे भी ज्यादा मजाक वाली बात, और फनीएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा मजाक वाली बात, यानी कि सबसे हंसी वाली बात, ये हमारी एडजेक्टिव है, डिग्री है यहाँ पर, फनी, फनियर और फनीएस्ट। तो कोई भी हम पोइम करते हैं तो उस पोइम में कवि ने क्या क्या दिया है उसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए कि कवि क्या कहना चाहता है, जो उसने वर्ड मीनिंग दिए हैं उनका क्या मतलब है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या क्या हो सकती है, उसमें से हम ग्रामर का क्या क्या पोर्शन निकाल सकते हैं, कि कहीं किस शब्द की क्या अपोजिट वर्ड बन सकता है, किसी का सिनोनिम्स क्या बन सकता है। तो इस प्रकार जब भी हम कोई पोइम करते हैं उसके अंदर से हर चीज हमें ढूंढनी
होती है, ठीक है। तो अब हम इसका जो फोर्थ स्टैंजा है वो करते हैं। फोर्थ स्टैंजा है हमारा, फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर, मतलब कि अचानक से, शूट्स अप मतलब अचानक से, टॉलर मतलब बड़ी या लंबी, समटाइम्स कई बार जो है वह बहुत लंबी या बड़ी दिखाई देती है। कौन दिखाई देती है? हु इज इन दिस स्टैंजा? ही इज शैडो, ठीक है। शैडो के बारे में बात कर रहा है कि वह कभी कभी अचानक से बहुत लंबी दिखाई देती है। लाइक एन इंडियन रबर बॉल, भारतीय रबर बॉल की तरह वह दिखाई देती है। तो कवि ने शैडो की जो यहां पर तुलना की है, कंपैरिजन किया है, वो किसके साथ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दैट इज इंडियन रबर बॉल। तो कवि ने जो शैडो की जो कंपैरिजन की है, यानी कि तुलना की है, वह इंडियन रबर बॉल के साथ की है। क्यों की है? क्योंकि हम जो रबड़ की बॉल होती है उसको खींच सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो ये इसकी शैडो है वो भी कभी लंबी हो जाती है और कभी छोटी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है, एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटल, ठीक है। और देखो उसने यहां हमें बोल भी दिया है कि कभी कभी वह बहुत ही लिटल मतलब छोटी हो जाती है। दैट्स देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, और उसके जैसा कहीं भी कोई नहीं है, ठीक है। अगर उसके जैसा कहीं है दिखाई देता तो कोई नहीं है, कोई के एकदम से कोई चीज बड़ी हो गई और एकदम से कोई चीज छोटी हो जाती है, तो शैडो के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है। तो इस प्रकार यह जो पोइम है हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह पोइम समझ में आई होगी। तो इसकी हम जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पहले आप इस पोइम के जो चार स्टैंजे हमने किए हैं, इनके वर्ड मीनिंग, ठीक है, इनकी हिंदी के अंदर जितने वर्ड मीनिंग है वो इंग्लिश टू हिंदी आपने लर्न करने हैं और इस पोइम को समझना है। बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम है, ठीक है, और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो आपने इसको लर्न करना है, ठीक है, इसको पढ़ना है घर पे और इसको समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आती तो वीडियो को बार बार देखें, जो कुछ समझ में नहीं आया वो समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर समझ में ना कुछ आपको दिक्कत आती है तो स्क्रीन के ऊपर हमारा शुरू में व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, आप वहां पर हमें कॉल करके, मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तब अगले हम एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।